छपरा में बारात लगने के दौरान अचानक हुई फायरिंग से 5 लोग जख्मी हुए हैं। सभी जख्मी को छपरा सदर अस्पताल से बेहतर चिकित्सा के लिए PMCH रेफर किया गया है। मामला छपरा शहर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत बलगरहा गांव का बताया गया है, जहां बीती देर रात्रि बारात दरवाजे लगी, उसी बीच अचानक फायरिंग हुई और 4 किशोर एवं 1 युवक गोली लगने से जख्मी हुए हैं। सभी जख्मी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलगरहा गांव निवासी श्री राम राय के 18 वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार, 10 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार, लक्ष्मण राय का 12 वर्षीय पुत्र राजू कुमार एवं नागेश्वर राय का 13 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार तथा पिंकू राय का 13 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार शामिल है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। क्या घटना कैसे हुई थी? वो हम लोग वहाँ से आए तो वहाँ पे हम लोग देखे नहीं किसी को। पहले 7 सब लोग था वहाँ पे, राइफल लेके वहाँ पे बैठा हुआ था। हम लोग वहाँ पे गए, उसके बाद गए तो पहले कोई नहीं था, वो अचानक से फायर हुआ और हम लोगों को लग गया। हम लोग देखे नहीं कि कौन फायर किया है। क्या नाम है तुम्हारा? अमरजीत कुमार। घर? बलगरहा। थाना? मुफस्सिल छपरा। किसके यहाँ बारात आई थी? बारात था तड़केश्वर राय के पास। तो बाराते में तुम लोग भी गए थे? हम लोग खाने के लिए गए थे तो नाच थोड़ा देखने लगे। तो नाच देखने लगे तो कैसे फायर हो गया? वो पता ही नहीं चला हम लोगों को पता ही नहीं चला, अचानक से फायर हो गया। देखबे नहीं किए कब कैसे होगा, देखने को मौका नहीं। कहाँ कहाँ गोली लगी है? पैर में लगी है। कितने लोग जख्मी हुए हैं? 5। सभी लोगों को पैर में लगी है? पैर में। क्या नाम है बुआ तुम्हारा? पिंटू कुमार। घर? बलगरहा। थाना? मुफस्सिल छपरा। कल रात में कहाँ गए थे, कैसे घटना हुई? हम लोग गए खाना वाना खिला कर गए, वहाँ पर बैठे 2-3 जना देखे, अचानक फायर हो गया कैसे ना कैसे। तो कहाँ गोली लग गई है? पैर में। पैर में। कै वो लोग गोली लगी है? 5। किसके यहाँ बारात आई थी? तड़केश्वर राय के।